जी तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप कार्स रॉकयार्ड देख रहे हैं और मेरा नाम सैयद शहाब शाह है। अच्छा जी, फाइनली जो आल्टो थी मेहरान हमने स्प्रे कर दी है और इसमें अभी इंशाल्लाह फिटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, वायरिंग और इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें, और उसके बाद उसमें इंशाल्लाह इंजन लगाएंगे 660 सीसी। मैं आपको अभी दिखाता भी हूँ। इसके अलावा एक होंडा है 96-97 मॉडल की, और हमने अपने दूसरे चैनल पर उसके का व्लॉग भी अपलोड किया है। अभी सीन ये है कि उसको उसमें मैं काम करा रहा हूँ और जैसे ही इंशाल्लाह फ़ाइनल होगी, अभी आपको मैं गाड़ी भी दिखाता हूँ, जैसे ही फ़ाइनल होगी तो इसको फोर सेल होगी। इंजन की तरफ से गाड़ी मॉडिफाइड है। मैंने जो हमारा दूसरा चैनल है कार डॉकयार्ड व्लॉग्स, अगर आप वो नहीं देख रहे तो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे देता हूँ, आप जाके वो भी सब्सक्राइब करें और वहाँ पे आपको डेली व्लॉगिंग होंडा के बारे में मिल जाएगी। ठीक है, उसमें भी ये है कि मैंने उसमें करा दिया है जो सस्पेंशन का जितना काम था, कुछ ट्यूनिंग और प्लग्स वगैरह भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, और कुछ बॉडी वर्क था, गाड़ी बहुत थोड़ी सी रफ़ कंडीशन में थी तो उसको हमने सेट किया, और ये फिर फोर सेल होगी। जैसी तैयार होती है मैं आपको इसकी प्राइस भी बता दूंगा। फिर आप में से जो हजरात होंगे, जो इंटरेस्टेड होंगे गाड़ी लेने के लिए, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो आप ये देख रहे होंगे ये जो 92 मॉडल की मेहरान थी वो हमने पेंट कर दिया, और वायरिंग का काम भी इस वक्त इसमें स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो वायरिंग जैसे ही कंप्लीट होती है, डैशबोर्ड लग जाता है, फिटिंग्स कुछ कर लेते हैं, उसके बाद इंजन इसमें हम डालना स्टार्ट कर देंगे और बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा जो खैबर है वो तकरीबन आप कह लें कि इसकी कोई कुछ 70% तक हमने इसमें काम कर लिया, फर्श डल गए हैं कुछ और बाहर से भी कुछ चीज़ें हो गई हैं इसकी। ठीक है, तो ये हालात हैं इस गाड़ी के। इस साइड से दरवाजे हमने खोले हैं सारे। अच्छा जी, जिस गाड़ी की मैं आपको बात आपसे बात कर रहा था वो जी ये गाड़ी है, ये 96 मॉडल है आई थिंक, और 96 से 97 मॉडल है, और 98 की जो हमने इसमें जो अपग्रेडेशन हैं लाइट्स की वो हुई हुई है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो इंजन है वो है D17 VTEC। ठीक है, D17 इंजन है, ये इंजन जो है मैनुअल के साथ है, जो 2005-06 मॉडल की जो सिविक है ईगल आई, तो ये उसका इंजन है। ठीक है, आपको मैं इंजन रूम भी दिखाता हूँ, इसका इंटीरियर भी दिखाता हूँ। जब गाड़ी मेरे पास आई थी, मैं दूसरे चैनल पर पहले दिन की जो वीडियो थी वो मैंने अपलोड की थी, उसके बाद हमने इसमें जो जो चीज़ें की हैं वो आपको बता देता हूँ। इसमें हमने कुछ बॉडी मॉडिफिकेशंस किए हैं, कुछ डेकोरेशन आप कह लें, तो छत हमने टिंट ब्लैक कर दी है, रैपिंग शीशे हमने टिंट कर दिए थे। ठीक है, कार्बन फाइबरिंग कर दी थी हैंडल्स पर, ये नीचे, ठीक है, जो साइड किट्स हैं उन पर, और ये गोले जो हैं इन पर, देन फ्रंट की हमने हेडलाइट्स जो हैं वो कराई हैं पॉलिश। ठीक है, उनको बफ कर दिया था। फ्रंट से हमने कुछ इसमें ग्रिल वगैरह थोड़ी मॉडिफाई कर दी थी। देन जो नंबर प्लेट्स हैं वो बनवाई हैं। देन अभी हम इस वक्त इसको हमने कंपाउंड करनी है गाड़ी को, और इसके हमने जो फ्रंट बैक के बम्पर्स हैं वो पेंट कराने, वो रिफ्रेश करने, बाकी गाड़ी पेंट जो है वो अंदर से गाड़ी जेन्युइन है, बाहर से पेंटेड है लेकिन विदाउट पुटीन है, पेंट ठीक है, बेहतर है, तो हमने सिर्फ करना ये है कि इसके जो बम्पर्स हैं अगले पिछले वो कर देने हैं पेंट। इसके अलावा सस्पेंशन का कल मैंने इसमें सारा काम कर दिया है, फ्रंट से बैक से जो भी सस्पेंशन की जितनी चीज़ें थी वो सारी की सारी हो गई हैं। फ्रंट के दोनों हब्स हमने डाले हैं, क्लिपर्स डाल दिए हैं, स्टेयरिंग रॉड हमने चेंज कर दिया है, जो स्टेयरिंग बॉक्स होता है वो चेंज कर दिया है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं गाड़ी की। अभी आप लुक देख रहे होंगे, माशाल्लाह बेहतरीन है। इंजन भी दिखाता हूँ आपको, देन इंटीरियर दिखाता हूँ, और जैसे ही ये बम्पर स्प्रे होते हैं, कंपाउंड पॉलिशिंग होती है गाड़ी की, फाइनल लुक निकलेगी इंशाल्लाह, देन इसको ये फोर सेल होगी,
और मैं आपको फिर लास्ट वीडियो में इसकी प्राइस बता दूंगा, जो भाई इंटरेस्टेड होंगे तो वो गाड़ी परचेज कर सकते हैं। इंजन भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये इसका जी इंजन है, इसमें लगा हुआ है D17 इंजन मैनुअल गियर के साथ, ठीक है। अभी गंदा है थोड़ा, मैंने ये सोचा हुआ है कि इंजन बे जो है उसको भी कुछ डेकोरेट करेंगे, साफ़ सफाई इसकी करेंगे, तो ये कुछ बेहतर कंडीशन में आ जाएगा। इसके अलावा मैं आपको इसका जो इंजन जो इंटीरियर है वो दिखाता हूँ आपको। अच्छा जी, आप इंटीरियर देख रहे होंगे, इंटीरियर इसका नीट एंड क्लीन है, इसमें मुझे कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे गियर नॉब मैंने चेंज किया है और इसकी जो रैगजीन थी ये चेंज कर दी है, बाकी इसका इंटीरियर काफ़ी अच्छी कंडीशन में, ऊपर से छत ये सारी पोशिंग हुई हुई है, सीटों की भी हुई हुई है, दो ट्रिम्स की भी आप देख रहे होंगे ये हुई हुई है। डैशबोर्ड इसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ठीक है, सारा ठीक है। देन हमने इसमें किया ये है कि इसमें साउंड सिस्टम भी हमने इंस्टॉल कर दिया था दो दिन पहले, तो साउंड सिस्टम ये आप स्पॉइलर देख रहे होंगे, पीछे से मैं आपको लुक दिखा देता हूँ गाड़ी की। ये अब जो बम्पर लाइट है वो हमने इसमें फिक्स कर दी थी, इसमें हमने देन साउंड सिस्टम इंस्टॉल किया और ऐप वगैरह ये चीज़ें इंस्टॉल की, ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई हैं। देन हमने इसमें आप ये टिप देख रहे होंगे एग्जॉस्ट की, तो ये मैंने इंस्टॉल की। अब मेरे पास इसकी जैनुइन पड़ी हुई, अगर किसी भाई को ये नहीं चाहिए होगी, क्योंकि थोड़े से हम शौकीन लड़के जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो आपको मैं फिर वापस अपनी जैनुइन आपको मैं लगा के दे दूँगा, ठीक है। तो फ़िलहाल हमने ये चीज़ें इसमें की हैं सारी, तो बस अब सिर्फ ये इस गाड़ी का ये रह गया कि इसके फ्रंट बैक के बम्पर्स पे होने और गाड़ी कंपाउंड हो जाएगी, तो गाड़ी इंशाल्लाह फाइनल होगी और फिर आप इसको परचेज़ कर सकते हैं अगर आप में से कोई भाई इंटरेस्टेड हैं। गाड़ी आप देख रहे होंगे बहुत प्यारी है, माशाल्लाह बन गई है बाहर से, इसको हमने कोई पिछले 3-4 दिन लगा के गाड़ी को इस शेप में लेकर आए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको मैंने होंडा के बारे में बताया। इसी तरह इंशाल्लाह जो दूसरे चैनल पर मैंने एक इंशाल्लाह चेन इसी तरह स्टार्ट करना है, गाड़ी हम परचेज़ करके उसमें सारा काम करेंगे, आप लोगों के सामने होगी उसमें जो जो काम होगा और उस गाड़ी के मुतालिक सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो एक वेरीफाइड गाड़ी होगी, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ से भी क्लियरड होगी इंशाल्लाह, जो गाड़ी मैं परचेज़ करता हूँ तो उस मैं श्योर करता हूँ कि उसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हों, सारी चीज़ें क्लियर हों। तो आप फिर वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह हम बना रहे हैं कि आप अगर गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो आप आएँ और बिना झिझक गाड़ी ख़रीदें, लेकर जाएं, उसको चलाएं, उसमें आपको पता होगा कि यार क्या क्या काम हो चुका है, सारा कुछ हम आपको दिखाएँगे। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।